उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहस छिड़ा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून पर, तो मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, आदित्यनाथ योगी जी से और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी एक बात बताइए, योगी जी एक बात बताइए, जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है? केवल उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है? जनसंख्या कानून अगर लाना चाहते हैं, देश में जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना चाहते हैं, तो ये कानून देश स्तर पर लाना चाहिए और इस कानून को धार्मिकरण नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर ये कानून लाकर जिस तरीके से धर्मवाद किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता टीवी स्टूडियो में बैठ के कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ कानून है, मुसलमानों के खिलाफ कानून है, इस कानून से मुसलमान जेल में जाएंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगा। भाई साहब, सबके बच्चे होते हैं अधिक, ऐसा नहीं है। योगी जी अपने माँ बाप के पांचवें संतान हैं, आपको पता होना चाहिए। मोदी जी अपने माँ बाप के सातवें संतान हैं। दुर्भाग्य तो तब हो गया, गोरखपुर का सांसद रवि किशन इस कानून को लोकसभा में पेश करने वाला है, वह खुद उसके बाल बच्चे चार हैं। बताइए कितना मजाक है इस कानून का। और दुर्भाग्य तो तब हो गया, दो चाइल्ड का जो कानून लाए हैं योगी जी, इसमें लिखा गया है कि नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अगर दो से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो। आपका सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। तो एक काम कर दीजिए योगी जी, ऐसा भी एक कानून बना दीजिए जिसमें शादी जो नहीं करेगा, बाल बच्चा पैदा नहीं करेगा, वो भी चुनाव नहीं लड़ेगा, उसको भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। अरे ना मर्द समझाएंगे हम जैसे मर्द को, कितने बच्चा पैदा करना है, तुम बच्चे पैदा नहीं कर सके और हम पैदा कर रहे हैं। एक बच्चा को देश की रक्षा के लिए भेजना चाहते हैं, एक बच्चा को देश की सेवा के लिए भेजना चाहते हैं, एक बच्चे को पढ़ाकर कलेक्टर बनाना चाहते हैं और तुम हमको फैसला करोगे? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिकरण हो रहा। हाँ देखिए, यही तो बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही फूट पड़ने वाला है। हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, तमाम संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं। पहले आप अपने घर को संभालिए ना। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज जी ने क्या कहा था, क्या कहा था कि 10-10 बच्चे पैदा करो, लेकिन क्या हुआ, योगी जी का विरोध करेंगे, ये इस कानून का विरोध करेंगे, योगी जी अपने सांसद को समझाएंगे। देखिए, ये कानून जो आई है केवल ढकोसला है, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, लोगों को अलग करके चुनाव लड़ा जाएगा ताकि बीजेपी कामयाब मिले, लेकिन नहीं मिलने वाली है कामयाबी। उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, हम रोजी रोटी की बात करेंगे, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करेंगे, हम स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करेंगे, ये ऊंच नीच की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, ये मुद्दे से भटकाएंगे, हम महंगाई की बात करेंगे, ये पश्चिम भागेंगे, हम पूरब लाएंगे, ये मुद्दे से भटकेंगे, हम मुद्दे पर लाएंगे। हम लोगों ने 5 वर्ष तक इस सरकार को भुगत लिया है। ये कहती थी सरकार अपराध मुक्त बनाएंगे, लेकिन तमाम अपराधी आज भी मौज मस्ती कर रहे हैं सरकार में बैठकर, लेकिन जो आम नागरिक है इससे त्रस्त हो चुकी है। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद अपराधी होगा, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अपराध मुक्त बनाएगा? आदित्यनाथ योगी जी पे 70 केस तो खुद ही थे अपराध का, मुख्यमंत्री बनते ही रद्द करवाने का काम किए। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से अभी जब ये माहौल चल रहा है इलेक्शन का, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की इस समय पोजीशन क्या है? नहीं, देखिए, पोजीशन बीजेपी के नीचे दब चुका है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का किसान 7 महीने से अभी भी बॉर्डर पे बैठा हुआ है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर जाइए, तमाम बॉर्डरों पर जाइए, 7 महीने से किसान बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश का किसान कह रहा है कि योगी जी गन्ने का रेट दे दीजिए, गन्ने का मूल्य तय कीजिए, लेकिन योगी जी कौन सा नशा में मस्त है, व्यस्त हैं, पता नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश के नागरिक, युवा रोजगार मांग रहा है, लेकिन योगी जी कौन सा नशा में मस्त व्यस्त हैं, पता नहीं चल रहा है। यही तो उत्तम प्रदेश बना कि विकास दुबे गैंगस्टर था, उसकी गाड़ी पलट दी गई, जो हुआ कानून किया उसकी बात नहीं है, लेकिन उसकी बीवी को आज जेल में रखा गया, क्यों भाई? एक हमारी बहन जो अनीता यादव थी प्रस्तावक, उसके कपड़े छीने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्या उत्तम प्रदेश यही है क्या?
वहां पर जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा था तो लोग नॉमिनेशन करने जा रहे थे, पर्चा दाखिल करने जा रहे थे, उनसे पर्ची छीन लिया गया। क्या ये उत्तर प्रदेश है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हिंदू मुस्लिम के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर आपस में मॉब लिंचिंग की घटना घट रही है। क्या ये मतलब उत्तर प्रदेश है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? आपको सत्ता किस लिए दिया गया था कि पिछले फिर डॉक्टर वाला हल कर दिए का कि मैंने ऐसा पर्ची पर लिख दिया, आम आदमी को समझ में नहीं आएगा, लिखेगा इसका मतलब हुआ कि मैं भी लूट लिया और तुम भी लूट ले, मतलब यही हुआ कि सपा भी लूटे तुम भी लूटे। मैंने कहने का मतलब क्या चाहते हैं? आपको सत्ता परिवर्तन किस लिए किया गया था? अखिलेश यादव जी को हटाकर क्यों आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था? इसलिए किया गया था कि पिछली सरकार से आप बेहतर काम करने का काम करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आपने कुछ काम किया नहीं, बल्कि 70 साल की कमाई 7 साल में लुटाई, यही तो हुआ। आज देश की हालत देखिए ना क्या है, देश का GDP माइनस में है, देश की अर्थव्यवस्था माइनस में है, युवा सड़क पर है, किसान सड़क पर है, महिलाएं अपनी सुरक्षा की बात कर रही हैं और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आप। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन में बलात्कार रात में गांजा, पत्रकार महोदय ये सब देखना है तो उत्तर प्रदेश में आ जा, उत्तर प्रदेश में देखिए ना क्या चल रहा है दिन रात। जिस तरीके से TV स्टूडियो में बैठकर गंदा माहौल किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश को स्थिति को तनाव किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता माफ़ नहीं करेगी। और आने वाले चुनाव में वोट के माध्यम से हमने सरकार बनाया था तो वोट के माध्यम से ही ये सरकार को गिराने का काम करेंगे, भाजपा को हराने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को इस देश से भगाने का काम करेंगे। जिस तरीके से अंग्रेज छोड़कर भागे हैं उसी तरीके से ये भाजपा भी इस देश से छोड़कर भागेंगे, आप देख लीजिएगा। देखिए बनारस की जनता जूता और चप्पल की माला लेकर तैयार है, प्रधानमंत्री जी जैसे ही बनारस पहुंचेंगे उसी जूते और चप्पल से उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि 2014 में और 19 में जब बनारस से चुनाव लड़े थे तो कह रहे थे कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है। जब इस देश की जनता ऑक्सीजन मांग रही थी, वेंटिलेटर मांग रही थी, इंजेक्शन मांग रही थी तो प्रधानमंत्री जी नहीं देने का काम किए और बिना अंतिम संस्कार कराए उस गंगा का सैर कराने का काम किए हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता पंडित नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को माफ़ करने वाली नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और इन भाजपाइयों को गांव से खदेड़ने का काम किया जाएगा और कहा जाएगा कि जब देश हमारा कोरोना महामारी से जूझ रहा था तो तुमने दवा देने का काम नहीं किया, पानी देने का काम नहीं किया, ऑक्सीजन देने का काम नहीं किया, तो तुम्हारा भी अधिकार है कि चुनाव में वोट मांगने का अधिकार नहीं है और तुमको हम इस गांव से भगाने का काम करेंगे और वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर उल्टी गिनती शुरू हो गई है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हारेगी। जिस तरीके से बंगाल की जनता ने खेला करने का काम किया है, हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता खदेड़ा करने का काम करेगी और भाजपा का दहाई आंकड़ा भी पार नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, इस बात को समझ लीजिए आप। नहीं, बंगाल में भी तो कह रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था 200 पार, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने क्या कहा था 200 पार, देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, अब की बार बंगाल में भाजपा की सरकार। लेकिन बंगाल की जनता ने ऐसा तमाचा मारने का काम किया है इन भाजपाइयों को, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का हवा निकलने जा रहा भाई साहब, याद रखिए। क्योंकि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के आज लोगों ने सत्ता में बैठा कर देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी देश के और आम नागरिकों के बारे में काम नहीं करती है बल्कि आलतू फालतू कानून लेने का काम करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से 2017 में मुख्यमंत्री बने आदित्यनाथ योगी जी तो कहते थे गड्ढा मुक्त बनाने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, अपराध गुंडाई मुक्त होगा। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद कदम कदम पर गड्ढे खोदने का काम किए हैं, अपराधी चरम सीमा पर है, गुंडाई चरम सीमा पर है, बलात्कार की घटना चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक हमारी प्रस्तावक
वो जब जब प्रस्ताव करने के लिए जा रही थी अंदर, तो उसको रोका गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, चील हरण कर दिया गया। तो क्या उस पार्टी को हम वोट करेंगे क्या, जो पार्टी में हमारी, जिसके पार्टी के शासन काल में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, मैं उसको वोट नहीं करूंगा। जो सरकार दिन रात महंगाई बढ़ाने पे काम कर रही है, मैं वैसी सरकार को वोट करने का काम नहीं करूंगा। और देश की जनता से और उत्तर प्रदेश की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। उत्तर प्रदेश की जनता मालिकों, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें, नहीं तो जिस तरीके से देश में आज महंगाई 110 रुपये पेट्रोल, 105 रुपये डीजल, 900 रुपये सिलेंडर बढ़ गया है, चावल दाल तमाम चीज़ों का रेट बढ़ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं, ये लोग उत्तर प्रदेश को बेच देने का काम करेंगे, बर्बाद करने का काम करेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता को कितना गुमराह कीजिएगा, 2017 से लेकर अब तक तो गुमराही किए हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने, तो देख लिया राम मंदिर बन गया, क्या फायदा हुआ देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ क्या? ये मोदी जी कहते थे, योगी जी कहते कि राम मंदिर बना देंगे, क्या हुआ राम मंदिर बनाने से? दे उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि हम वैसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे जो हिंदू मुस्लिम की बात करता हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करता हो, ऊंच नीच की बात करता हो, जाट गैर जाट की बात करता हो, गुज्जर गैर गुज्जर की बात करता हो। हम वैसी पार्टी को वोट देंगे जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा तमाम चीज़ों पर काम करेगा, वैसी पार्टी को हम सरकार बनाने का काम करेंगे। उत्तर खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।